हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। चलिए दोस्तों, आज कुछ डिफरेंट बनाया जाए। जैसे कि हरी सब्ज़ियाँ हम रोज़ बनाते हैं तो खाते खाते जी भी भर जाता है, कभी कभी कुछ अलग से भी होना चाहिए। चलिए आज हम शाही पनीर बनाने चलते हैं। चलिए, अब हमने ना कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें फ्रेंड्स हमने घी डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये घी में ही बनती है, इसको सरसों के तेल में टेस्टी नहीं बनती है शाही पनीर, जो ये वाली देसी घी में ही बनती है। चलिए, घी अब हमारा गरम करने रख दिया है हमने। जब तक ये गरम होगा बाकी की तैयारी हम और कर लेते हैं धीरे से। चलिए दोस्तों, घी भी हमारा गरम हो रहा है। अब हमने इसमें थोड़ा सा जो रतन जोत हमने पहले भी बोला था उसका थोड़ा सा पीस इसमें डाल देते हैं घी में, क्योंकि उससे ना कि सब सब्जियों में कलर बहुत अच्छा आ जाता है। फ्रेंड, अब हमने ग्रेवी में इसमें क्या क्या डाला है अब हम आपको बताते हैं। इसमें हमने डाला है टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक। और ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए हमने इसमें जो ब्रेड का चूरा हमने पहले से बना के भून के रखते हैं वो इसे हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्याज हम डालते नहीं हैं तो ग्रेवी कैसे अच्छी होगी। तो इसीलिए हम इसमें ब्रेड का चूरा थोड़ा सा डाल देते हैं, उसको मिक्सी में चला के मसाले में पूरा तैयार करके अब हम इसको हम हल्का हल्का भूनेंगे। फ्रेंड्स देखो, इसमें कलर भी अच्छा आता है इसकी वजह से, और ये हमारा बनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ब्रेड की, उससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है। फिर जैसे घर में कभी खोआ भी होता है दूध का बना हुआ तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा उसको भी डाला है, खोए को भी इसमें हमने डाला है, जिससे ग्रेवी अच्छी बन जाए। फ्रेंड देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। अब ये हमारी भुनने को आ गई है दोस्तों, गुलाबी कलर आ गया है, उसे कलर जो रेड रेड दिख रहा है जैसे कि मिर्ची जैसा लग रहा है, लेकिन रतन जोत से कलर बहुत अच्छा आता है सारी सब्जियों में। फ्रेंड्स अब हमने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया है, थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया है और नमक वगैरह सब डाल के इसको अब अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स देखो, अब हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मोटा पिसा हुआ रखा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब देखो ये बॉईल हो जाएगी, इसके बाद हम इसको उतार लेंगे नीचे। फ्रेंड्स इसके साथ रोटी भी बना सकते हैं, नान भी बना सकते हैं, घर के नान भी बना सकते हैं, आटे वाले मैदे के भी बन सकते हैं, वो अपने स्वाद अनुसार हम कुछ भी बना सकते हैं। देखो हमारी अब सब्जी बनने को जा रही है फ्रेंड, जब तक हम आटा वगैरह लगा के रखते हैं। देखो बॉईल होने जा रही है, खूब अच्छी तरह हो जाएगी, गाढ़ापन आ जाएगा थोड़ा सा सब्जी में। देखिए ढाबा स्टाइल शाही पनीर लग रहा है बिल्कुल। अब थोड़ा सा गाढ़ापन और आ जाएगा तो बहुत देखने में अच्छी लगेगी। देखो देखने में बहुत सुंदर सी लग रही है। अब इसमें हम धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। सब्जी हमारी तैयार हो गई है फ्रेंड्स, देखिए अब हम इसको उतार लेंगे। फ्रेंड धनिया से सजा के बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बाजार जैसी मार्केट जैसी शाही पनीर लगती है। और जो घर के हमने जो भी और मसाले थे वो भी हमने इसमें ऐड करके अपने तरीके से बनाया है। फ्रेंड्स सबका तरीका अलग अलग होता है इसको बनाने के लिए। चलिए अब हमारी शाही पनीर तैयार है, प्लेट लगाते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हमारी थाली तैयार है दोस्तों, चलिए आप भी आ जाइए। बाय बाय।